अयहु शास्त्र सद ग्रंथ ये रस है, ये जूस बनाए तुलसीदास जी। रामचरित मानस जरूर लिखे लेकिन ये जूस है, जूस है, जूस। ड्राई फ्रूट कितनी लखन से रामचंद्र की जाए तो ड्राई फ्रूट कहला की तुम बताओ। नाना पुराण निगमागम संबतम यद रामायणे निगदितम क्वचित देंतो अति स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय भाषा निबंधि मति मंजुल महात्मा। ये ड्राई फ्रूट है। अच्छा मैं कथो कड़ा रथे ड्राई माने कड़ा फूट जाते थे, फूट गए। ये ऐसे जूस है कान के माध्यम से पिए जाते विश्वकर्म। अच्छा अच्छा मुंह से नहीं पिए, नहीं पिए, नहीं पिए। कर रहे श्रवण पुट पान पान एक सती कान के माध्यम से रस भी करके आत्मा कल्याण कर लो। आइए गजानन स्वामी जी के सुंदर वंदना अभी आप सुने हमारे भैया कुलेश्वर ताम्रकार जी ने। और ये हमारे दाऊ जी भी पहुंचे हैं। हाँ। भगवान के चरण में दान देवर मालूम है कि दान दिए धन ना घटे, घटे न सागर नीर। अपने हृदय विचार के कह गए दास कबीर, प्रगट चार पद धर्म के कलिमो हुए प्रधान। जैन के निधि दिने दान करे कल्याण, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिन यू, बंदो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम सर। रामायण प्रारंभ सुनी आयु चतुर सुजान, और सीता पति के चरण जुग बंदी बैठा हुआ। ऐसे हनुमान जी को सादर आमंत्रण करते हैं भजन के माध्यम से कथा सुने पर आना। कौन गाँव रहा था? श्रद्धे पी एल आदर एला की था वो तो नहीं दाऊ जी तो हमारे। हाँ हाँ हमारे आदरणीय दाऊ जी श्रद्धे पी एल सर जी को धन्यवाद जिन्हें 100 रुपए का दान। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तो, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। धन आपका है, जीवन आपका है, मैं भी आपका हूँ प्रभु, केवल आप मेरे हो जाओ। वाह मंगले भगवान को इसीलिए तो मनु और शत्रुपा क्या मांगे। मांग बोले भगवान बोले मनु शत्रुपा 27,000 साल तक नैनी शरण्य के जंगल में तपस्या करो, मांग लो क्या मांगना है। मनु शत्रुपा धन दौलत नहीं मांगे है, मनु शत्रुपा अरे नौकरी चाकरी नहीं मांगे है, मनु शत्रुपा भगवान ने मांगे है दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतीभाव चाहो तुम ही समान सुख। अगर देना है प्रभु तो आप मोर घर में बेटा बन के आ जाओ। भगवान मांगो इससे सामने वाले सोचल पड़ जाए, सोचल पड़ जाए। लखन से रामचंद्र की जय। आज भगवान ने भी सोचल पड़ गया, अरे 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 मनु का मांगे थे बेटा रूप में, आज तक कि मैं बेटा नहीं बने हो, मैं कहा ब्रह्म और आज बोला मृत्यु लोक में मनुष्य बन के आल पड़ जाए, मनुष्य मैं बनाता हूँ। लेकिन भक्त के भगवान सामने ना भगवान नियम चेंज कर देते, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त के मान को न टलते देखा। ठीक है मनु सद्रूपा मैं वादा करता हूँ मैं आपके घर में बेटा बन गया हूँ, और वही भगवान त्रेता युग में ते दशरथ कौशल्या रूपा। ए मनु सद्रूपा तुम त्रेता युग में दशरथ और कौशल्य बन हो, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशल पूरी प्रगट नर भूपा, जिनके गृह उतरी हो जाए रघुकुल तिलक सुचारो भाई, नारद वचन सत्य सब करिहो परम शक्ति सहित अवतरि हो, हरिहो भूमि धेनु गुरुवाई अभय करो सब देव सब गाए। ऐसे भगवान जन्म लेके आए। आइए प्रसंग चर्चा करें आगे भजन के साथ। बोली गणपति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज जीवन मुकुल सुधारी, वर्णन रघुबर विमल जस जो दायक पधारी, बुद्धिहीन तब जानकी सुनि राम कमल कुमार, मल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बिना, अवर तनय शंकर हरन मंगल मूरति रूप, राम रतन सीता कहिबे हृदय बसहु गुरु भू, राम कथा कीन सिंधु मन भक्ति राशि मति भी, आयसु वतन लीजिए तीन पुण्य कति, बोलिए पार्वत हनुमान की जय। तो दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। तो दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों Thank you.
Yeah.
बजे ताली रहा बाकी मन बजाई छे जोरदार ताली बजा दो भजन के बाद ताली बजाती रहना चाहिए क्योंकि मैं एक सती रिक्वेस्ट करता हूँ कि मन में भ्रम रूपी पक्षी बैठे है राम कथा में शंका रूपी पक्षी भ्रम रूपी पक्षी बैठे रहते ना तेन हाँ उड़ाना चाहिए और जब तक के भ्रम बैठे तब तक की कथा नहीं सुन सका आप कथा में आनंद नहीं आ पा जय जय सती कथा नहीं सुनी भ्रम के कारण हाँ। इसलिए आप सबसे निवेदन करूँ ये भ्रम रूपी पक्षी भगाए के काम करना चाहिए, चाहिए। और ये 100 रूपये सम्मान राशि भेजे आदरणीय भैया दिलेंद्र साहू जी क्या बढ़िया नाम दिलेंद्र साहू जी ने धन्यवाद दो दिल के ईश्वर है उसे दिलेंद्र कहते हैं अब दिल के ईश्वर कौन है बताओ काला जानता है बतावे बैठा रहे हैं तो रहे बरे हमन बता दे तो फिर तो काम हाथ पर रही हमारे बार ये लाने हैं तेकर हाथ पर हम ही गिरा दे का मतलब कैसे जी दिल के ईश्वर तो भगवान ही है वाह 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 जब ये दिल में भगवान बसे तभी तक जिंदा हंस तो सही इसलिए जीवन में हमेशा दिल में परमात्मा बसाना चाहिए बसाना चाहिए दिमाग में संसार ले बसाना चाहिए बसाना चाहिए संसार वाले दिल देवे धोखा खावे एक बात याद रख ले हाँ। जोरदार ताली बजा दो ना संसार वाले दिल दे तो धोखा खाए के शंकर ही हर कोई नहीं लगभग 99% धोखा दी लेकिन एक सदी हम दिल लगा था एक सदी धोखा खाता दुख पाता इसलिए दिल भगवान में लगाए कह रहे इसलिए दिलेंद्र भैया जी दिल भगवान में लगा दी 100 रूपये जोरदार ताली बजा दो सदा सुखी रहे दिमाग संसार में लगाओ काबर दिमाग से संसार में चलना चाहिए वरना हर जगह तय धोखा खा ले इसलिए सत्संग करना चाहिए दिमाग ला एकदम प्रबल बनाए पर बिनु सत्संग विवेक न होई विवेक माने दिमाग न होई विवेक माने जीवन में एक दृष्टि मिलते जब सत्संग कर बेटा एक नया नेत्र देते नेत्र देते भगवान आप सत्संग करके तो देखो एक पहली मोहन मेरी तीसरा नेत्र में अब जान था पहली में नाम चुन रहे होते जान में नहीं करो रामायण का होते ये सब का होते दुनियादारी का होते अब मैं रामायण लगातार 30 साल ले पढ़ा था 30 साल से और 30 साल के बाद मोला एक नेत्र मिली तब मोला पता चली इसकी हाँ ये संसार कुछ अलग है और भगवान कुछ अलग है इसलिए जीवन में हो ही विवेक मोह भ्रम भागा जो भ्रम इस मोर जीवन के आप मन के भी जीवन में विवेक नहीं करके भ्रम नहीं भागे है और मोह नहीं भागे ये मोर है वो तो रे ही तो मोह है मोह सकल बाधिन कर बुला इसलिए जीवन में विवेक चाहिए हो विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुपति चरण अनुरागा तब भगवान के चरण में अनुराग होते तब समझ में आते हम कौन और हम कावर आहन इसी भाव के साथ आज भगवान धरती में पुत्र बन के आए चार बेटा के रूप में अयोध्या के पावन धरती में जन्म लेके आए जन्म लेके चारों बेटल पा के राजा दशरथ गदगद हो जाते और कहीं इसके जाओ बाजे वाले बुलवाओ बाजे बजवा दो जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजा बहु बाजा और पूरा नगर में बाजे बजवा दो एक घर में छुटना चाहिए गृह गृह बाजे बधाओ सुबह प्रगटे सुषमा कंद हरसवंत सब जहां तहां नगर नारे एक घर नहीं छुटना चाहिए सब घर बाजा बजना चाहिए काबर अभी तक के 36 बाजा नहीं बजवा है अयोध्या वाले मन आज मोर घर 36 होते इसलिए सब घर बाजा बजना चाहिए इसलिए आज पूरा अयोध्या के सुंदर घर घर में बाजे बजते आगे का कहा थे ए भजन के साथ और यो गणपति महादेव की जय तुलसीदास ने रामायण को गंगा बहा दिया नवशंकर पार्वती ने को एक नौका बना दिया तुलसीदास की लिखी रामायण घर घर आज बिराजे वही कथा के लिखे रामायण उमा शंकर कमर पाव कहे तोर धाम ल जाते मोर मन हे तुर ध्यान लगाते मोर दिव्या कहे तुर गाथा लगाते मोर दिव्या कहे तुर गाथा लगाते की जय अवधपुर धाम जय मरैया
जपे श्री राम हो नगर रही सो गांव ने रही धाम रही सो
और ऐसे धाम में भगवान जन्म लेके ऐसे धाम बन गए थे, वो कहावत बन गए थे भगवान आए थे का सती बोलो से हम रामचंद्र की है धाम बन गए। और आज चारों भाई के रूप में धरती में बेटा बन के आए, 33 कोटी देवता मन सोचते रहिए बाप रे बाप, ब्रह्म भी आज शरीर धारण करे हैं, पूछे किस प्रभु आप भी शरीर, अरे पूरे मन पर तो जन्म लेके आओ, जनु डर बहु मुन सिद्ध सुरेशा सुरेशा तुम्हारे लाग धरो नरेश, तुम्हारे चमड़ पर मनुष्य बने हैं रावण ले मारे वर नहीं, रावण ले चुटकी बजा के मैं मार सकता हूँ, वो तो इसने धरती ले जाती है। सही बात है, भगवान स्वयं रावण ले बना है तो वो का डरेगी, लेकिन आज हम सब लोग शिक्षा देवर भगवान बेटा बन के गुरु वशिष्ठ बुलाएगी इस नामकरण में, गुरु वशिष्ठ राम ले देखे के बाद तो अपन आप ले भूल गए, जिंदगी में बालक में बहुत देखा लेकिन ऐसा बालक पहली बार देखा देख ही नहीं आई, अरे रूप राशि गुण कहे इतना सुंदर रही दाई राम, हाँ जेन देखे तेन धन्यवाद दे कौशल्या, आज बहुत दिन इंतजार करे बहिने कौशल्या, बहुत इंतजार करे दीदी हो, इस संसार वाले ताना मारे पर कमी नहीं करे कौशल्या, घरों ताना मारे यहाँ तक के ओकर घर के पोछा लगाने वाले घरों को सवेरे देखना नहीं चाहे, ओकरे घर के नमक खाए फिर भी वो देखना नहीं चाहे की एक बच्चा नहीं है और सवेरे ले लो अगर मुंह देखो तो हमारे सब काम बिगड़ जाए बिगड़ जाए, ये बात न कटकर सही सोही तब भगवान कृपा करी सोकर जीवन में, और कौशल्या इसमें अनबजलवा नारी नहीं दिशा जाई हो, हमने छत्तीसगढ़ के बेटी है तूने बन जैसे ये आरंग के पास में चंदखुरी गांव है होकर दिव्य मंदिर बना था, छत्तीसगढ़ के बेटी वो ताकत रही से जो भगवान गर्भ में रख सकत रही से, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पूरी सभी आचरण से पवित्र रही से बात हो, जेकर देखो दूध है फटा रही तो घी अच्छा नहीं निकले, आप मन जाना था गांव के दूध है खराब रही तो घी अच्छा नहीं निकले, दाई हो दीदी मन के आचरण मान लो जाए माता के आचरण खराब रही तो अच्छा बच्चा होकर जीवन में नहीं आ सके, कौशल्या की आचरण इतना पवित्र से लिखे रामायण में, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत सभी आचरण से पवित्र रही सो, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ पति के अनुसार चले, राजा दशरथ की इसकी कौशल्या बच्चा लिया हुआ थे हमारे वंश आगे बढ़ाना है एक रानी यू ला लो, कौशल्या की थी बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, राजा बिल्कुल ला लो काबर वंश आगे बढ़ाना है, के कई से घरों बच्चा नहीं हुई कौशल्या के कई आज बाप भी बच्चा नहीं हुआ थे एक रानी यू ला लो बिल्कुल ला लो, अब आज के दीदी मन कितनी लग डरती है लखन से रामचंद्र की है ना, लेकिन ये है कौशल्या और भगवान ओकरी गर्भ में आया है, चार भाई के रूप में आया है भगवान, एक के ठाने लेकिन चार माता बटे हो बटे, हाँ एक साकेत वाले विष्णु एक वैकुंठ वाले विष्णु एक क्षीर सागर वाले विष्णु और एक श्वेत द्वीप वाले विष्णु, ये चारों विष्णु ने और चारों विष्णु चार भाग में बटे है एक है, लेकिन यहाँ आए बार अलग अलग संत मन कर व्याख्या अलग करते, राम है ब्रह्म है भरत है विष्णु है और शत्रुघ्न है ब्रह्मा है और लक्ष्मण है शंकर है, ऐसे व्याख्या भी होते है कराके लक्षण भी देखते थोड़ा थोड़ा हमने जाने गहराई नहीं जाना है, तो आज बहुत सुंदर मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को है। कोई मरम नहीं जाने भगवान के कौन जाने मरम ते जानता है, यह सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जायनी वरने भगवान के मरम न कोई नहीं जान सके, जो जाना ही यही देह उजना ही जाना तो तुम्ही हो जाए, वही व्यक्ति जानते जेना भगवान जना थे, भगवान ल जाने पर जताई जानिस भगवान ले जाने पर केवल जानिस भगवान ले जाने पर सबरी जानिस, एवं कोई पीएचडी नहीं करे कोई डबल एमए नहीं है कोई संस्कृत नहीं पढ़े है एक अक्षर नहीं पढ़े है भगवान ले जान करिस जान, तो जोरदार ताली बजा दो, एक सती तुम ना चक्कर में मत पड़े करो, बहुत बड़ा पंडित है बहुत बड़ा जथाधारी है बहुत पढ़े है मत सोचे ऐसा मत कहे करो, ओकर चक्कर में मत आ करो, आओ जरूर ओकर ज्ञान के चक्कर में आया करो, ओकर व्यवहार के चक्कर में आया करो, ओकर चरित्र के चक्कर में आया करो, ओकर उपदेश के चक्कर में आया करो, लेकिन बहुत बड़े के चक्कर में कभी मत आना धोखा हो जाए, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय, इसलिए जब तक कि ओकर साथ संगत नहीं करो आप, और ऐसे भगवान सुंदर चार भाई के रूप में धरती में जन्म लेके आए हैं, आगे कहा थे भजन के साथ जल्दी जल्दी आरती बड़ा सुंदर ये कथा, एक घंटा का समय है पौन घंटा हो गए 15-20 मिनट और कहूँ कहा थे आगे कर पिछुरी राम छठ की जय, डर डरे मन मोही डरे चातुर मोहने सुरतिया
का सूरत है प्रभु राम जी का। अच्छा ते सुंदर नीच का हुतुरी मीठे मनस कैया मने मोहि डारे का तोरे चेहरा आँखी मा झुलत रे मुझे डर का तोरे
एकदम शांत हो गए, अच्छा लगी बोला ताली में बजाना है तो अच्छा लगी बोला। अभी करवा बजावे मत करो, ज्यादा खुश करना है तब भाई विश्वकर्मा भैया। मैं एक से ताली नहीं बजात खुश होता कि करमन के मन परमात्मा में लग गए, लग गए बस एक घड़ी मन चाहत रहे मैं। हाँ। मैं अटके कथा ओकर बाद विराम कर दूं ना तबो कोई पुण्य मिल जाए, पुण्य मिले तुम्हार मन के मन ला मैं भगवान से जोड़ गाऊ, ये वक्ता के नियम होना चाहिए। बोल। और जब तक के मन परमात्मा में नहीं जुड़ी तो भगवान किसी कृपा करी वो तो केवल मन देखते निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट चल छिद्र भावा। आप मन इतना बढ़िया ध्यान लगा के भगवान के भजन में सुना बस इतने ही काफी कलयुग में। कलयुग तरम उपाय न कोई और राम भजन रामायण दो, या तो भजन करो या तो कथा सुनो, दो ही विकल्प है। दोनों विकल्प आज लोकेश साहू जी के अंगन में मिलत है, मिलत है। चार भाई आए हैं आशीर्वाद प्रदान करे तभी संबोधन आशीर्वाद दी। अभी नानी आ हुई तो सोचत हुई कब कब सोहर गाही दई हम मन नाचबो नाचबो बुआ नाची दादी नाची सगम नाची छत्ती के तू ही महत्व है। एक सती सब अयोध्या में नाचत गावत है। एक महीना बीत गए मास दिवस कर दिवस भाव मन मन जाए कोई पता नहीं चलीस की एक महीना कैसे बीती कैसे बीती। काबर राम आए भैया जब राम आनंद के समुद्र है, आनंद के साथ रिबे तो आनंद मिलते आनंद मिले है भाई। तो आनंद में डूबे हुए एक महीना बीत गए मास दिवस कर दिवस भाव मन मन जाने कोई रथ समेत विधा क्यों निशा कमल विधि हो। रात्रि महारानी कंप्लेन करते कि मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु, निवेदन करते भगवान कहते जल्दी आ जा रात्रि मैं अगरबत्ती धुआं से सूर्य ढाका था अगर धूप बहुत जलू अधियारी अगरबत्ती के धुआं ढाकी भगवान तत् के अधियारी आते अपन लेकर पिचका लेकर के और सुंदर से भगवान के चरण में गिर जाते कि प्रभु अभी सूर्य कुल में जन्म लेके आओ आप दिन मान जन्म लेके आओ मोर बन कब कृपा करू रात्रि चिंता मत कर मैं कृष्ण बन के आऊ आधा रात कर जना। भगवान सबके ऊपर दया करते भगवान के हेतु विशेषता है। भगवान ये नहीं देखे छोटे बड़े अमीर गरीब नहीं देखे केवल वो अपन भाव देखते भाव का भूखा हूँ मैं भाव मेरा आधार है। हाँ। भाव से मुझको जपे तो भाव से बिना पार है। भाव से ही शंकर जपे कुभाव जपे मुनि दयाल और कुंभकरण आल सहू जपे अनक जले जपे दस भाव ऐसे बहुत सुंदर भगवान की कथा है। जय जय। अब ज्यादा समय नहीं मन संतोष सभी के जहता दे सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास। एक भजन के बाद फिर नामकरण करबो तब तक की आर्थिक तैयारी बोलो श्यावर रामचंद्र की। जय।